सो हेलो गाइस, स्वागत है वापस से आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मूवीज फॉर योर रिएक्शन में। और दोस्तों, करण जौहर की इस साल की अपनी प्रोडक्शन में बन रही पहली फिल्म के टीजर के ऊपर, जिसे आज रिलीज कर दिया गया है, भूत द हॉन्टेड शिप के फर्स्ट टीजर को रिलीज कर दिया गया है आज कुछ ही समय पहले। और इसमें हमें एज अ लीड रोल विक्की कौशल नज़र आने वाले हैं और भूमि पेडनेकर। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने इनकी इस मूवी की स्टोरी भी लिखी है। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से पहले इसके टीजर को देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल आइकन को दबाएं और भी रिलेटेड रिएक्शन देखने के लिए। तो चलिए पहले जल्दी से इस टीजर को देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये तो खुद उनका एक पोस्टर है। भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप, 3 फरवरी ट्रेलर। सो फ्रेंड, टीजर काफी बेहतरीन लगा और काफी अच्छा लगा। और जब इस मूवी का पोस्टर रिलीज किया गया था, विक्की कौशल का पोस्टर जब रिलीज किया गया था इस मूवी के लिए, उसमें जिस तरीके से वो डरे हुए हैं और चारों तरफ से हाथ उन्हें खींच रही है अपनी तरफ, ऐसा हमें देखने को मिला था पोस्टर में। और टीजर में भी हमें वो चीज़ देखने को मिली। और टीजर काफ़ी छोटा है और जिस तरीके से टीजर दिखाया गया, हाथों की चाम पूरे सीप पर पड़ी हुई है, विक्की कौशल का एक फोटो बना हुआ है हाथों से, और फिर जिस तरीके से हाथ उन्हें पीछे खींचती है और पूरे डार्क जिस तरीके से दिखाया है, वो सुपर्ब लग रहा है। तो टीजर देखकर लग रहा है कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस साल की करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से ये मूवी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, इस जिस तरीके से टीजर देखकर लग रहा है। वेट है इस मूवी के ट्रेलर का, जो कि 3 फरवरी को रिलीज़ की जाएगी, यानी कि मंडे को इस मूवी का ट्रेलर रिलीज़ किया जाएगा। तब हमें और भी जानकारी मिलेगी कि आखिर इस मूवी में क्या होने वाला है और क्या होगी इस मूवी की स्टोरी। और भूत ये पार्ट वन होने वाला है द हॉन्टेड शिप का। और इस मूवी को, जैसे कि मैंने बताया, डायरेक्ट कर रहे भानु प्रताप सिंह। और इस मूवी को उन्होंने ही इस मूवी की स्टोरी भी लिखी है, विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर और आशुतोष राणा सर भी हमें नज़र आने वाले हैं। और 21 फरवरी को ये मूवी रिलीज़ की जाएगी। और जैसे कि आपको पता ही होगी, करण जौहर की पिछले साल काफ़ी खराब फिल्म रही, कलंक जैसी फिल्म रही, स्टूडेंट ऑफ ईयर 2 मूवी रही। तो लोग जिस तरीके से उन्हें क्रिटिसाइज किए थे उस मूवी के लिए, और इस साल अब देखना ये है कि भूत मूवी किस तरीके से लोगों को अट्रैक्शन देती है अपने तरफ, किस तरीके से ये मूवी होगी और लोग इस मूवी को देखेंगे और काफ़ी इच्छुक होंगे। और जिस तरीके से ये टीज़र है, काफ़ी अच्छा लगा, वेट रहेगा ट्रेलर का। तो अगर आप लोगों ने ये छोटा सा टीज़र नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, कमेंट सेक्शन पे बताइए आपको ये टीज़र कितना ज़्यादा पसंद आया और मेरा रिएक्शन कैसा लगा, वो भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।